Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. भाई कैसी जा रही है जॉब आपकी? हाँ यार बहुत अच्छी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपकी? ठीक हो? ठीक भाई। ऐसा मनहूस बंदा है ना, जब भी मिला मेरा दिन खराब हो। अच्छा, जो काम करने के लिए जा रहा होता हूँ रास्ते में ये मिल जाए वो काम मिलता ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा वो काम हो। भाई अगर तुम्हें एक बात बोलूँ तो बुरा तो नहीं मनाओगे तुम्हें? भाई जरूर बोलो ना, कैसी बात? अच्छा रुको, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। उस्मान भाई देखो, ये जो आपने अभी बात की कि वो मनहूस है। अच्छा, अल्लाह ताला की कोई बनाई हुई चीज़ मनहूस नहीं होती। ये बात तो ठीक है। ठीक है, और आपके साथ अगर कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, या फिर ये आपके अमाल की वजह से होता है या अल्लाह ताला की आप पर कोई आजमाइश होती है। अल्लाह यार माफ़ी दे यार। और मैं तुम्हें इसके मुताबिक एक वाकया सुनाता हूँ। अच्छा भाई, वाकया ये था कि एक बच्चा किसी काम से जा रहा था। अच्छा, तो रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। उसके मिलने के बाद उसका वो काम नहीं हुआ। अच्छा, जब वो काम नहीं हुआ तो उस बादशाह ने कहा कि वो उस फलां बंदे की वजह से मेरा काम नहीं हुआ। अच्छा, वो जो मनहूस उसे मिला था। हाँ मनहूस तो जो जैसा भी था, जब वो काम नहीं हुआ तो उसने उसे फांसी का ऐलान कर दिया कि उसको फांसी दी जाए। अच्छा देखो भाई, जब उसे तख्त पर लाया गया तो उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जी, तो उन्होंने कहा कि बोल, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ बादशाह से। उस लड़के ने कहा? हाँ उस लड़के ने कहा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, देखो मनहूस तो आप हुए जिनकी वजह से मैं मौत के मुंह के करीब आ गया। मैं मनहूस कैसे हुआ कि सियाब के सुबह मिलने से आपका एक काम नहीं हुआ? मनहूस तो आप हुए जिनके मिलने से मैं मौत के मुँह के आगे हो गया। फांसी तो आपको मिलनी चाहिए, फांसी मुझे क्यों मिली? इस पर बादशाह ने सोचा कि देखो मनहूस तो ये बात गलत है मनहूस में, इससे उसने उसको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। और मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ, तो माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान, वो बड़े जितने मर्जी गुनाह करो आपको माफ़ कर दे। मेरी यही आपसे इल्तिजा है कि आप माफ़ी मांगें और हमेशा नेक काम देखें। हाँ भाई ये बात तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है यार, न जाने अनजाने में मैंने कितने ऐसे गुनाह कर दिए होंगे। भाई यार तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करे। हाँ भाई ज़रूर, मैं अब अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा और आगे आने वाले वक्त में ऐसी बातों से बचने की पूरी कोशिश करूँगा।